शरीर में अहं तत्व, अहंकार और ममत्व, ये क्या है? परिग्रह है। और इसके विपरीत अपरिग्रह, तो इनका हटना, अविद्या का हटना। अब अविद्या का मतलब ये है कि अब हम लोगों ने एक दिन साधना करने के बाद विद्या और अविद्या का भेद समझ लिया, नहीं समझा। ये जो बाहरी है आवरण, ये सब अविद्या का। भगवान शंकराचार्य जी ने भी यही कहा कि जो भी ये जो भी है वो सब अविद्या का कारण है। विद्या क्या है? वो शाश्वत सत्ता के अंदर जाना ही विद्या है ना। बाहर के हमारे जितने कार्य हैं, अब अग्रवाल जी कहेंगे कि सुंदर कांड का पाठ भी अविद्या है। नहीं, वो नहीं कहेंगे, है ना। वो क्या है कि विद्या तो यही है, जितनी बार आप अंदर जाओ वो शाश्वत विद्या है। अब ये कि हम लगातार वहां रह नहीं सकते हैं, बाहर हम रहना हमें पड़ रहा है, तो इसके लिए मन को हमने ये छोटी छोटी चीजों में अपना लगा दिया है कि भाई तुम यहाँ उन सब चीजों को देखो जो शाश्वत विद्या है, इसमें भी वो चीज ढूंढो। ये था उसके पीछे का, है ना। इसमें भी सुंदरकांड में भी वो देखो कि हनुमान जी उपकार के लिए, उनके अंदर कोई राग नहीं था, है ना, वैराग्य था उनके अंदर। तो उनके हम उससे जीवन से तुलना करते, हमें भी उसी आचरण करते। मन में कितनी विनम्रता थी, जो आती है ये जो गुण आते हैं वो सब, उनको गुणों को देखना है और उन सब गुणों को अपने अंदर धारण करना। इसलिए बार बार स्मृति में वो चीज डालते हैं, है ना। हम सुंदरकांड बार बार इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें हनुमान जी के गुण देखने और गुणों को अपने अंदर वो जागृत करने, है ना। यही तो कारण है कि उन्होंने एक करुण